जब अर्थव्यवस्था की बात की चर्चा हुई कि अर्थव्यवस्था एकदम दुर्बल हो गई है, ठप हो रही है, तब फिर से इन्होंने बांटने का काम शुरू किया, नए नए कानून लाए। असम में 1600 करोड़ रुपए लगाकर, 1600 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने एनआरसी कराया। पता चला लाखों भारतीय उस एनआरसी की लिस्ट में नहीं है, एनआरसी आसाम से फेल हो गया। इन्होंने फिर सीएए निकाला, नागरिक कानून निकाला, आसाम के लोग सड़कों पर उतरे, उन पे गोलियां बरसाई गईं, आसाम जल रहा है। दिल्ली में छात्रों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी गोली मारी, लड़कियों के साथ बदसलूकी की। पूरे देश में छात्र आज सड़क पे आ चुका है, लेकिन फेल प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो खोखली चुनौती देने के लिए यहां आपके प्रदेश में वो मंच पर खड़े हुए और खोखली चुनौती दी उन्होंने। यहीं से आपके प्रदेश में खड़े होकर मैं झारखंड की जनता के तरफ से, आपकी तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती हूं। मोदी जी, संथाल परगना कानून के बारे में बोलिए, झारखंड में भूख से मौतों पर बोलिए, झारखंड में बेरोजगारी पर बोलिए, महिलाओं के बलात्कार पर बोलिए, चौपट व्यापार पर बोलिए, भ्रष्टाचार पर बोलिए, गायब रोजगार पर बोलिए। आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप जोड़ के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, या आप तोड़ के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आप सब यहां मौजूद हैं, जब मैं आई तो आप